क्या आप सी ए करना चाहते हो काफी सारे डाउट्स है आपके मन में इस कोर्स को लेकर तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन है अभी एक सी ए कौन होता है और क्या करता है चलिए इस बारे में बात करते हैं आप जानते हैं देश लोगों से बनता है और लोग अपने कमाई का कुछ हिस्सा देश को देते हैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि देश के इकोनॉमी को संभाल के रखें ये इंश्योर करें कि देश का हर एक व्यक्ति देश के लिए अपने जो कर्तव्य है उसको निभा रहा है, अपने हिस्से को दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा भी सीए काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं जैसे कि ऑडिटिंग अकाउंटिंग जीएसटी रिलेटेड काम डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर रिलेटेड काम एडवाइसरी एंड कंसल्टेंसी अभी सीए में एंट्री कैसे होता है दो तरीका है एक है फाउंडेशन रूट टेंथ ट्वेल्थ का एग्जाम दो खुद को रजिस्टर कराओ फाउंडेशन का एक एग्जाम एक दो फिर सेकेंड लेवल पर आप आओगे इंटर के लेवल पे और एक होता है डायरेक्ट एंट्री का रूट अगर आप सीएमए या, या फिर सी डब्ल्यू ए कोर्स के या फिर CS कोर्स के इंटर एग्जाम को पास कर चुके हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आपने बी कॉम या फिर बी ए या फिर बी टेक कोई भी बैचलर डिग्री आपने पाया है विथ फिफ्टी फाइव परसेंट कोई भी कहीं से भी फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव परसेंट का आपको बैचलर डिग्री मिल गया तो फिर आप एलिजिबल हो डायरेक्टली इंटर एग्जाम देने के लिए इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटर एग्जाम देने के बाद आप करोगे आर्टिकलशिप लेकिन इंटर एग्जाम देने के बाद और आर्टिकलशिप से पहले थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कराया जाएगा आपको वो इंस्टीट्यूट कराएगी उसके बाद आप फाइनल के लिए खुद को रजिस्टर कराना है रजिस्टर कराने से पहले तीन साल आपको आर्टिकलशिप करना है किसी सीए के अंडर में काम सीखना काम सीखो तीन साल कंप्लीट होगा सीए का फाइनल का एग्जाम दो एंड यू विल बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज सिंपल एज दैट अभी इस वीडियो में एलिजिबिलिटी सी कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है रजिस्ट्रेशन एंड फीस कितना पैसा लगता है सिलेबस एग्जामिनेशन पासिंग क्राइटेरिया और एक बोनस कंटेंट है कि एक सी कितना कमा सकता है एलिजिबिलिटी का बात करें अगर आप क्लास टेन में हो आपके पास मौका है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने का यानी कि पहले ही आपने सोच के रखा है कि सीए बनना है तो करवा लो रजिस्ट्रेशन लेकिन एग्जाम के boards के बोर्ड्स बाद ही दे सकते हो अगर आप 12 दे चुके हो तो आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो सिंपल अभी सीए कौन कौन कर सकता है साइंस बैकग्राउंड के हो आ जाओ कॉमर्स बैकग्राउंड के हो नो प्रॉब्लम इवन आर्ट्स के स्टूडेंट भी सीए कर सकते हैं बस ये ध्यान रखना है कि जैसे आप रजिस्टर हो रहे हो उसके चार महीना बाद आप एलिजिबल हो गए एग्जाम देने के लिए सिंपल वर्ड में दो एग्जाम होता है साल में एक नवंबर में एक मे, मेक में। तो नवंबर वाले के लिए आपको थर्टीएथ जून तक रजिस्टर हो जाना है और अगर आप एग्जाम मे में देना चाहते हो तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक रजिस्टर हो जाना है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एस पोर्टल में जाओ आई सी आई पोर्टल है पर अकाउंट बनाओ वहां से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अगर आपको लगता है है कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना है, तो प्लीज अप्रोच मी फीस दो सौ रुपया ये फीस में आपका बुक्स इंक्लूडेड है आपको बुक्स दे दिया जाएगा इसके अलावा ऑप्शनल है कि आप मैगजीन्स वगैरह लेना चाहते हो या नहीं वो आपके ऊपर है वहां पे ऑप्शन आता है टिक करने का ये कंपल्सरी है नौ हजार दो सौ इसके अलावा आपका चॉइस सिलेबस का बात करें चार सब्जेक्ट अकाउंट लॉ एंड बीसीआर मैथ्स एल आर एंड स्टार्ट जो कि बेसिक लेवल है डरना नहीं है मैथ्स देखकर काफी बेसिक लेवल है And, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के सब बेसिक है इजी है कुछ टप नहीं है एग्जामिनेशन फीस रुपीज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जितना बार एग्जाम दोगे उतना बार ये पैसा लगेगा फॉर मानो मेम एग्जाम दे रहे हो तो फेबर मार्च तक ये फॉर्म निकलता है भरो एग्जामिनेशन फीस दो आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा उसके बाद नवंबर में एग्जाम है तो अगस्त सितंबर तक फॉर्म निकलेगा भरो और एग्जाम से पासिंग क्राइटेरिया एकदम सिंपल है हर सब्जेक्ट में हंड्रेड आउट ऑफ फोर्टी मिनिमम लाना है फोर्टी के नीचे ला रहे हो फेल हो और जो टोटल चार पेपर है ना फाउंडेशन में चारों पेपर चार 400 मार्क्स का होगा 400 मार्क्स का उसमें टू हंड्रेड के ऊपर लाना है यानी कि आउट ऑफ फोर हंड्रेड आपको टू हंड्रेड के ऊपर आना चाहिए और हर पेपर में चालीस के ऊपर जब एस एस पी पोर्टल पर जाओगे तो नेम ई मेल एड्रेस पर्सनल डिटेल्स लेके बैठना आपका जो एड्रेस प्रूफ वगैरह है वो सब लेके बैठना एकेडमिक डिटेल्स सारा ले लेना फोटो सिग्नेचर अपना स्कैन करके रखना और फी पेमेंट के लिए कोई भी ऑप्शन रखना यूपीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी एवरेज सैलरी का बात करते हैं तो एवरेज सैलरी जो होता है वो है मिनिमम सेवन लाख रुपीस मैक्सिमम इज अप टू यू मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ देखो ये ए प्लस टॉपर डॉट कॉम है यहां के ऑफिशियल वेबसाइट पे सीए का सैलरी दिखा रहा है ये जो है ना स्किल बजट मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस ये सब आपको काम मिलेगा अगर आप चाहते हो मैं फॉरेन में जॉब करूं वो भी अवेलेबल है ठीक है तो ये सब काम मिलेगा मिनिमम सात लाख रुपया सैलरी मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम सेवन लाख रुपये सैलरी मिलेगा डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर मानिए आपको पांच साल हुआ अभी काम करते हुए तो आपको सात से आठ लाख रुपया मिलेगा मिनिमम पांच से दस साल हो गए तो बढ़ेगा एक्सपीरियंस के साथ यहाँ सैलरी बढ़ता है आपके जॉब प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है आप क्या हो अगर आप फाइनेंस ऑफिसर हो तो आपको 35 लाख रुपया तक मिल सकता है नॉर्मल सीए हो तो साढ़े सात तो मान के चलो अकाउंटेंट हो तो 25 लाख मैनेजर वगैरह हो तो पांच लाख डिपेंड करता है आप किस काम पे हो सिटी भी डिपेंड करता है एंड अगर बात करें हाईएस्ट सैलरी तो ये आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज फोर्टी फाइव लाख तक सैलरी देती है आदित्य बिरला अट्ठाईस लाख आईसीआईसीआई ट्वेंटी सेवन लाख तो ये कोर्स नो डाउट काफी अच्छा है दिस कोर्स नीड ओनली वन थिंग अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप सीए बन जाओगे इट बने बहुत सारे सक्सेसफुल सीए कुमार मंगलम बिरला नाम सुना है ना मिस्टर बिरला बी अपने साइंस के फ्रेंड से पूछना वो बताएगा उसके जो अभी लीडर है वो एक बिलियन है वो सीए सुरेश प्रभु मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन ऑफ गवर्नमेंट वहां पे ये अभी मिनिस्टर है राकेश झुंझुन वाला स्टॉक मार्केट के गुरु है वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया है सी ए किड़वाई पद्मश्री अवॉर्डेड सी एच एस बी सी बैंक की जनरल मैनेजर ये सबके पास बहुत पैसा है बहुत इज्जत है सो प्लीज नेवर बिलीव दिस कि एक सी ए बनना मुश्किल है इट इज ईजी इफ यू हैव थॉट इसी नोट के साथ आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो अगर किसी भी टाइप का गाइडेंस चाहिए या फिर फ्री का क्लास पर फाउंडेशन लेवल चाहिए Just WhatsApp us at these numbers, and we will guide you further. Thank you very much.